हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक है वो डिस्कस करूंगा। लिंकोसामाइड जो एंटीबायोटिक है वो एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। मींस ये डस क्या काम करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेंगी बाय इनिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ये डस क्या काम करेगी, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगी। और कौन कौन सी ड्रग है जो लिंकोसामाइड कैटेगरी से बिलोंग करती है, दो ड्रग्स हैं क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन, जो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी से। अब आता है कि ड्रग एक्ट कैसे करती है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो ये इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है। तो यहां पर क्या होगा, मैंने एक एमआरएनए शो किया है जो रेड कलर की लाइन है, ये एमआरएनए होगा। इस एमआरएनए के ऊपर 70S राइबोसोम बाइंड होता है। 70S राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और 70S राइबोसोम की दो यूनिट है, 50S और 30S। ठीक है, तो 50S राइबोसोम पे दो साइट अवेलेबल है, ए और पी। ए से एक्सेप्टर साइट और पी से पेप्टाइडल साइट। ये दोनों साइट कहां पे प्रेजेंट है, राइबोसोम। और कौन से राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो जो पी साइट पे साइट है उस पर ऑलरेडी तीन अमीनो एसिड की चेन अटैच है, A1, A2, A3, तीन अमीनो एसिड की चेन अटैच है। इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन या नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, जो चेन पहले बन चुकी है। ये प्रोटीन की चेन है या पॉलीपेप्टाइड की चेन है। जो एक्सेप्टर साइट है वो एक्सेप्टर साइट पे क्या होगा कि नया जो अमीनो एसिड है वो अटैच होगा। मीन्स तीन अमीनो एसिड होगी, ए, एक, दो और तीन। फोर्थ अमीनो एसिड, नया जो अमीनो एसिड आएगा वो कहां पे अटैच होगा, एक्सेप्टर साइट पे। उसको लेके कौन आएगा, टीआरएनए किस पे बाइंड करेगा, एक्सेप्टर साइट पे। यहां पे पहला स्टेप, जो A4 अमीनो एसिड है वो कहां पे बाइंड किया, एक्सेप्टर साइट पे। और जो हाफ प्रोटीन की चेन है या पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहां पे अटैच है, पेप्टाइडल साइट पे। क्लियर है। तो नए अमीनो एसिड को इस चेन में जोड़ने के लिए क्या होगा, पी साइट पे जो पॉलीपेप्टाइड की हाफ चेन है वो कहां पे मूव कर जाएगी, एक्सेप्टर साइट पे। तो ये साइट, ये पेप्टाइडल चेन कहां मूव करेगी, पी से ए साइट पे, पी से ए साइट। तो ये कहां मूव करेगी, पी से ए साइट के ऊपर। क्लियर। तो फोर्थ अमीनो एसिड को इसने अटैच कर लिया अपने साथ। अब क्या होगा, पांचवा जो अमीनो एसिड है, क्योंकि चार अमीनो एसिड की चेन बनी है, अब नया अमीनो एसिड और अटैच होगा। मींस हमने चेन इलोंगेशन करनी है प्रोटीन की। तो पांचवा जो अमीनो एसिड आएगा वो कहां पे अटैच होगा, पहले एक्सेप्टर साइट पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये साइट वो खाली होनी चाहिए, वैकेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ए साइट से कहां मूव कर जाएगी, पी साइट के ऊपर। यहां पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का ए से पी साइट के ऊपर। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या था कि नया अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट पे अटैच हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाफ पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पी से ए के ऊपर मूव की। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, ए साइड पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ए से किस पे मूव करेगी, पी साइड पे, ताकि अगला जो अमीनो एसिड है वो ए साइड पे आके अटैच हो सके। ठीक है, तो हमारी जो ड्रग है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स, वो ड्रग क्या काम करती है, जो ट्रांसलोकेशन ए से पी के ऊपर हो रहा है उसको इनहिबिट करती है। मींस हमारी जो ड्रग है लिंकोसामाइड ड्रग, सबसे पहले वो 50S राइबोसोम पे बाइंड करेगी, बाइंड ऑन 50S राइबोसोम। और उसके बाद क्या काम करेगी, इनहिबिट ट्रांसलोकेशन। कौन सा ट्रांसलोकेशन, जो ए से पी के ऊपर हो रहा है, इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइट टू पी साइट विल बी इनहिबिटेड। तो ए से पी साइट के ऊपर जो ट्रांसलोकेशन होने वाला है वो इनहिबिट हो जाएगा। अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, फर्दर प्रोटीन की जो चेन इलोंगेशन है वो चेन इलोंगेशन नहीं होगी, मींस प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये ड्रग क्या काम करेगी, 50S राइबोसोम पे बाइंड करके ए साइट से पी साइट के ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्रांसलोकेशन होने वाला है उस ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये ड्रग क्या काम करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। फिर आते हैं ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स। जो लिंकोसामाइड का मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ये ड्रग क्या कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है, जीआईटी इंटॉलरेंस बोल सकते हैं या डायरिया ड्रग कॉज करती है। सेकेंड है ये रैशेस और अर्टिकेरिया भी कॉज करती है। ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, जिसमें रैशेस और अर्टिकेरिया हो जाएगा। अर्टिकेरिया क्या होगा, एलिवेटेड स्मूथ पैचेस।
फिर आते हैं कि साथ में ये ड्रग है हिपेटिक डिस्फंक्शन है वो भी कोज करवाती है, ये किसके साइड इफेक्ट है, लिंगोसामाइड एंटीबायोटिक। फिर आते हैं यूजेस, इसको यूज हम कहां कहां करते हैं, ये ड्रग मेनली जो इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, दूसरा एनएरोबिक बैक्टीरिया, और थर्ड वन पैरासाइट, पैरासाइट एग्जांपल है मलेरिया। मींस ये ड्रग मेनली ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को इनहिबिट करती है। तो ये था हमारी फार्माकोलॉजी अबाउट द लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।